खबर देवरिया से एक सामने आई है, जहां पर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच झड़प हो गई। बता दें, झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अभियंता के बीच में तीखी बहस जो है वो की जा रही है। पूरा मामला जनपद देवरिया के सलेमपुर का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष अधिशासी अभियंता को अपशब्द बोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं ये पूरी खबर। सर, एक सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो रही है, क्या घटना नहीं हुआ था? हम लोग आपस में बैठे हुए थे लगभग 11:30 बजे, तो नगर पंचायत अध्यक्ष जो है राम यादव, ये आए अचानक अपने 50 लोगों के साथ लेके, और इन्होंने अभद्रता शुरू कर दिया, गाली गलौज जो है, और फिर कहने लगे कि हम धरना देंगे और चक्का जाम कर देंगे, सबको पीटेंगे, ये सब हो रहा था। हमने पूछा कि एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, तो ये बाद में इन्होंने बताया कि ट्रांसफार्मर नगर पंचायत का है, ट्रायल ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रायल ट्रांसफार्मर होता है जब जलता है कोई ट्रांसफार्मर तो हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में लग गया, ग्रामीण क्षेत्र में लगा तो हमने बोला कि ठीक है इसको हम चेंज करा देंगे, और आज चेंज भी हो रहा है ये, बट इन्होंने कुछ मतलब पहले इनको आके बात करनी चाहिए थी, बात नहीं किया, अचानक वही सब जो है गाली गलौज, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर पे चला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आरोप निराधार था, लोगों ने लोग क्या यही आरोप लगा रहे थे नेताजी से, लेकिन ऐसा कोई भी प्रकरण सामने नहीं आया है। अगर ऐसा प्रकरण सामने आता तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। वीडियो में देखा गया है कि काफी मतलब वाद विवाद हुई, तो ऐसा कुछ हाथापाई भी नहीं? हाथापाई तो नहीं हुआ था, वाद विवाद ही हुआ था। वाद विवाद जी।